हेलो गुड मॉर्निंग आज कैपेसिटेंस निकालेंगे वैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसके बीच में एक टी थिकनेस का डाई स्लैब स्लेब डाल दिया गया है कल पढ़े थे जो फ्री स्पेस इसके बीच में एयर था आज जो है एक स्लैब डाल दिया गया डाई जो बेड कंडक्टर होता है और डायलैक्ट्रिक्स वैसा मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाल दें तो उस पर में क्या होता है ना कि उसके दोनों अपोजिट फेस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है वैसे सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है जैसे कल भी बताए थे कॉटन हो सकता है लकड़ी का बुरादा हो सकता है माइका हो सकता है तो यहाँ पर अगर टी थिकनेस का कोई यहाँ पैरल प्लेट कैपेसिटर है पी क्यू और इसके बीच में डाल दिया गया है एक टी थी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अब यहाँ पी पर अगर प्लस क्यू चार्ज दिया गया तो ये क्या करेगा कि ये इसके इस फेस पर जो सामने वाला फेस है उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा तो यहाँ प्लस है तो इस पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो क्या करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्यू पर नेगेटिव चार्ज कर देगा तो ये प्रोसेस होगा बीच का लेकिन पहले जो अप्लाइड अगर ये थिकनेस नहीं है मतलब नहीं डाला गया था तो उस समय इसमें अप्लाइड एलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट e बीच में ये गैप बचता है अब यहां जो होगा ये डायलैक्ट्रिक्स पर यहाँ पोलाइजेशन होगा पोलाइजेशन के कारण क्या होगा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो यहाँ टी रीजन है जो है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा ई पी ई पी जस्ट पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन एक वर्ड है पोलराइजेशन जो है मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायलैक्ट्रिक्स को डाला जाता है तो उसके कारण उस फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये प्रोसेस है जस्ट इसी को बोलते हैं। और अब चलते हैं कि लिखना क्या है इसमें तो लेट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द प्लेट्स इज c नोट आज c नोट लिख दिए कल पढ़े थे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इससे पहले तो c नोट इक्वल्स टू इफ साइ नोट ए a डी जब एयर है भरा हुआ यानी कि इसके बीच कुछ भी नहीं है उस समय कैपेसिटेंस इसका इतना है अब क्या है कि इसमें एक थीगनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया दैट नाउ लेट इंट्रोड्यूस ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द प्लेट्स P and Q, due to polarization, equal and opposite induced charges appear on two faces on the dielectric slab. अब इसके कारण equal and opposite charge dielectric slab के opposite face पर develop कर जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा? These induced ये इंड्यूस कर देगा चार्ज प्रोड्यूस्ड दिस इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी ई पी इसीलिए क्योंकि पोलाइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में देर फोर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ थिकनेस टी इज अब क्या होगा टी थिकनेस में यहां पर e का डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो इसमें क्या होगा यहाँ पर रिड्यूस कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा ईक्स e. तो e माइनसेशन e e e e e का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो है टी में इतना बच जाएगा लेकिन जो गैप था एंड ई नॉट इज द रिमेनिंग रीजन डी माइनस टी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी माइनस टी रीजन जाएगा अब क्या है क्या है करना है? निकालना तो तो चाहिए जो प्लेट के बीच होगा चुकी यहाँ दो रीजन हो गया एक हो गया डी माइनस टी और एक हो गया टी रीजन तो डी माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e डी तो होता है

रिड्यूस डायलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के से डिनोट करते हैं अब यहाँ के ई अगर निकाल लें हम तो ई नॉट बाई के आ जाएगा और इसको पुट कर देना है कहाँ इक्वेशन सेकेंड में तो ई की जगह पर तो ई नॉट बाई के तो इक्वेशन हो जाएगा देरफोर बीस टू ई नोट एंड इन टू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इन टी दोनों में से क्या होगा ई नॉट कॉमन नोट तो कॉमन e आ जाएगा प्लस टी वाई के इक्वेशन थर्ड ये जो है हमारा इक्वेशन थर्ड आ जाएगा विनो देथ क्यू e बाई क्यूवाई भी इसका जब वैल्यू डालेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा ए साल नॉट ऊपर चला जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के तो सी टू नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के फिर सी इक्व टू अब इसमें चूंकि कंपेयर करना है कि क्या फर्क पड़ा है तो सी इक्व हो जाएगा इफ सालन नॉट ए इसमें से क्या कर सकतेमन अगर ले लें इसमें है नहीं बट लेना है

और फिर इसको ले लो यहाँ तो कंपेयर हो जाएगा सी बाई सी नॉट इक्वल्स टू दिस वन बाई वन माइनस डी बाई डी एंड इन वन माइनस वन बाई के तो ये जो है हमारा ये फॉर्मूला आ गया तो इस बैट सी इज ग्रेटर देन सी नॉट सी इज ग्रेटर देन यानी कि न्यू कैपेसिटेंस जो आया वो हमें प्रीवियस से जो पहले वाला कैपेसिटेंस था उससे ज्यादा होगा कहने का सीधा मतलब कि जब हम डायरेक्टिक स्लेब डालेंगे तो क्या होगा हमारा जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कैपेसिटर का अब इसका एक स्पेशल केस है कि टी इक्व टू डी अगर थिकनेस टी था अगर वो डी यानी कि पूरा फुलफिल अगर हो जाए बीच का जो जगह गैप था उसको अगर फुलफिल कर दिया जाए तो यहां पर जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा टी इक्व टू डी अगर होगा तो कट के वन हो जाएगा तो वन माइनस वन अब प्लस वन बाई के तो वन माइनस वन कट जाएगा

इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेना है एक बार दो बार आप जब लिखेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा यदि कहीं डाउट हो कुछ भी तो आप फिर से पूछ सकते हैं इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा देखने में ठीक है तो बस बस इतना ही इसको लिख लीजिए बहुत जल्द अब ये